यूपीएससी के सफर में आपका स्वागत है। इस सेशन में होता क्या है, सवाल आपके होते हैं, जवाब मेरे होते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए और आपको सही जवाब देना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो एक साथ आईएएस बनते हैं। सो आज का हाईली आस्क टॉपिक है यूपीएससी विद एनी अदर एग्जाम। तो देखो क्या होता है कि इन अ वेरी सिंपल वे यूपीएससी के साथ और कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होगा कि नहीं होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपको बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। सबसे पहला स्ट्रगल आपका ये होगा कि आपको एक नए फील्ड में आप जब एंट्री कर रहे हो तो सोचो कि जब यूपीएससी में आपने एंट्री किया था तभी उसको पूरा एनालाइज करने में या फिर उसको समझने में आपको कितना वक्त गया था, आप अपना वो टाइम याद करो। आप अगर कोई एक और फील्ड चूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने कम से कम एक या दो साल यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, उसके बाद आप इसमें आ रहे हो ना। अगर आप पहले ही आ रहे हो तो फिर आपको मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता कि आप एक टाइम पे दो अलग अलग एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो सो फिर तो बहुत टफ हो जाएगा वो। बट अगर आपका यूपीएससी में थोड़ा सा होल्ड आ गया है और अभी मैं किसी अलग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ ऐसा लग रहा है आपको, तो आप वो टाइम याद करो कि जब आपने यूपीएससी में एंटर किया था तभी आपको कितना टाइम लगा था इस पूरे प्रोसेस में। आपका कम या ज़्यादा उतना ही टाइम वापस जाने वाला है जब भी आप ये फील्ड में जा रहे हो, तो टाइम का एक कंस्टेंट आएगा। दूसरा कंस्टेंट यूपीएससी का, आपको पढ़ाई ऐसा है क्या कि कल आप 12 घंटे पढ़ रहे थे तो आज अगर आप 10 घंटे दोगे और 2 घंटा उस एग्ज़ाम में डालोगे तो आपको तो भी रिजल्ट अफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं। यूपीएससी में आपको 10-12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप पहले 10 घंटा पढ़ रहे हो, अभी आप अगर 8 घंटे पे आ गए तो आपका रिजल्ट अफेक्ट होगा ही होगा। 2 घंटे आपने कहाँ डाले तो किसी दूसरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, शायद बैंकिंग होगा या एसएससी होगा या स्टेट पीसीएस होगा, तो आपका उसमें टाइम मैनेजमेंट का एक इशू है कि आप टाइम मैनेज कैसा कर सकते हो। ये सब भी आपने मैनेज कर लिया तो दूसरा एक होता है कि अपना माइंडसेट। यूपीएससी के लिए जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपका माइंडसेट जो है वो मेंस के लिए सब्जेक्टिव माइंडसेट है। बहुत बहुत बार आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो द हिंदू का, तभी आपके सामने अगर कोई फैक्चुअल डेटा आए कि किसी स्कीम में इतने इतने करोड़ इन्वेस्ट किए तो आप पढ़ते नहीं हो, आप छोड़ देते हो। और वही चाहिए यूपीएससी में, आप नंबर्स याद करके आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये माइंडसेट आपका बन गया है व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी। बट जब भी आप ये सेम थिंग बैंकिंग में देखोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे नंबर्स पूछे जाते हैं, वहाँ पे रेपो रेट कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ इस पर फोकस रहता है। वहाँ पे बैंक्स की टैगलाइन वगैरह पूछते हैं, तो आपको यूपीएससी के करंट अफेयर्स पढ़ के वापस बैंकिंग के करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। सो आपको वो एक चीज़ है कि एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट का कॉन्स्टेंट है, दूसरा कॉन्स्टेंट है कि सिलेबस का, तीसरा पार्ट आपका ये होगा कि चलो समझो कि आपने सब मैनेज कर लिया। तो ये भी हो सकता है कि शायद आपका फोकस दो जगह पे गया, इसके लिए ना ये मिले ना वो मिले, ये भी तो हो सकता है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ दो दो एग्ज़ाम्स क्रैक किए, मतलब यूपीएससी में भी वो लोग आईएएस बन गए, स्टेट पीसीएस में भी वो लोग शायद डिप्टी कलेक्टर वगैरह बहुत लोग हैं ऐसे। तो ये नंबर्स बहुत कम देखने मिलते हैं, और वो भी स्टेट पीसीएस का सिलेबस इज़ वेरी ओवरलैपिंग विथ यूपीएससी, मतलब सेम नहीं है लेकिन ओवरलैप बहुत करते हैं। बट जब भी आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में जाओगे तभी आपको नेशनल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, नेशनल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटी है वो पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी में स्टेट के
पर्टिकुलरली किसी स्टेट के ये तीन चार चीज़, मतलब इकोनॉमी वगैरह, स्टेट का इकोनॉमी, स्टेट का हिस्ट्री, इस पर फोकस नहीं रहता। बट व्हेन यू आर डूइंग इट विथ स्टेट पीसीएस, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो आप कितनी जगह पे आपका ध्यान डालोगे, इतना कैसे मैनेज करते हैं लोग। मैं मतलब खुद आज तक समझा नहीं कि लोग यूपीएससी और एमपीएससी, मतलब महाराष्ट्र में जो है, वो लोग एक साथ कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये मैं आज तक समझ नहीं पाया, क्योंकि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, एंड फॉर एमपीएससी आपको महाराष्ट्र का हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो मतलब महाराष्ट्र का हिस्ट्री हुआ, इंडिया का हिस्ट्री हुआ, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री भी हुआ। तो ये सब कैसे मैनेज होता है समझा नहीं मुझे। ऊपर से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी होते, मतलब आईपीसी भी शायद, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है शायद, या फिर एचआर या एचआरडी है एमपीएससी में। अगर आप एमपीएससी में भी पीएसआई का एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें तो आईपीसी के लॉज वगैरह भी पढ़ने पड़ते हैं। तो मतलब ये मतलब बहुत आपको हेवी हो जाएगा। सो ऑन वेरी वेरी एंड वेरी पर्सनल बेसिस, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मेरा सुनना चाहेंगे, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप खुद पे वर्ड मत डालो। आप सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करो, 32 weeks तक, ये आपके लास्ट अटेम्प्ट तक। आप प्लीज़ ये चीज़ मत करो कि यूपीएससी के साथ, यूपीएससी का जो स्टडी पैटर्न है वो किसी और एग्ज़ाम के साथ मैच नहीं होता। आप स्टेट पीसीएस और बैंकिंग अगर एक साथ करना चाहोगे तो आपको बैंकिंग का जो मैथ्स वगैरह है वो बहुत टफ होता है, तो वो आपको स्टेट पीसीएस के सी सेट में फ़ायदा दे सकता है। या फिर बैंकिंग का जो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेट पीसीएस का और बैंकिंग का करंट अफेयर सेम होगा, नहीं, पढ़ने का तरीका जो है वो थोड़ा बहुत सेम है। रेलवे का एंड बैंकिंग का प्रिपरेशन भी एक साथ हो सकता है, बट दैट्स नॉट द केस विद यूपीएससी। यूपीएससी आपको यूपीएससी के साथ कोई और प्रिपरेशन करना चाहोगे, बहुत बर्डन आएगा आप पे, बहुत बर्डन आएगा। तो ऑन अ वेरी पर्सनल बेसिस, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं एक्चुअल में, जो लोग मेरा मैं जो एडवाइस आपको देता हूँ वो एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं छोड़ते, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। यूपीएससी पे ही ध्यान दो। अगर कोई मराठी समझने वाला बंदा ये सुन रहा है तो मैं उसको बताना चाहूँगा, फक्त यूपीएससी करा, एक ना धड़ बारह बार चिंदिया या भानगढ़ी पढ़ो ना का। अभी मैंने मराठी में बोला कि 100 चीज़ों के पीछे भागोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ऑन अ वेरी पर्सनल बेसिस नो, ऑन जनरल बेसिस यू कैन डू दैट, बट यू हैव टू फेस दैट बर्डन। बहुत लोग पास हुए भी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, और देखो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको थोड़ा बहुत एक एज मिलता है, ओवरलैपिंग सिलेबस होता है, बट स्टिल सिर्फ सिलेबस से काम नहीं होता, पढ़ने का एक तरीका भी जो हम लोग ने इतने साल में डेवलप किया है वो भी तो चेंज करना पड़ता है। आप किसी अलग एग्ज़ाम में आ रहे हो तो आप ये सोचो कि आपने तभी कितना टाइम दिया था यूपीएससी को समझने में, वापस उतना टाइम आप किसी नए एग्ज़ाम को समझने में दोगे तो नहीं होगा। सो इन जनरल, अगर आप करना चाहते हो, प्लान वेल, शेड्यूल वेल। देखो आप यूपीएससी के लिए 10-12 घंटा पढ़ रहे हो, वो टाइम कम करके आपको नहीं चलेगा, क्योंकि हर रोज़ एक नया कंपटीशन, एक नया कॉम्पिटिटर आपके साथ भिड़ने के लिए इस ग्राउंड में आ रहे हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई कम करते हो देन यू कैन गो आउट ऑफ रेस। बट अगर आप पढ़ाई बढ़ा रहे हो देन यू कैन एटलीस्ट बी इन द रेस, एंड एट मैक्स यू कैन क्रैक दैट रेस। तो पढ़ाई कम करके तो आपको नहीं चलेगा, तो शायद आपका वो सब्जेक्ट का मतलब वो फील्ड का आप पढ़ाई 4 या 5 घंटे और करोगे। यूपीएससी का पढ़ाई तो आपको 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, फिर 10-12 घंटों के बाद अगर आप 4 घंटा इसमें लगा दोगे, 4 या 5 घंटा, तो मतलब 16-17 घंटा पढ़ाई ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ये 16-17 घंटा पढ़ाई सिर्फ सिर्फ गिने चुने लोग ही कर सकते, मुझसे तो नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ यूपीएससी करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी। मैंने बैंकिंग चालू किया था लेकिन मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने बंद कर दिया। एक महीने में मैंने
बैंकिंग छोड़ दिया और उसके बाद मैं आपको जाके आज ये बात बता रहा हूँ। सो ऑन अ पर्सनल बेसिस नो, ऑन अ जनरल बेसिस येस यू कैन डू दैट, बट यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो अगले सेशन में हम लोग किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका फीडबैक आ रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई विल ट्राई टू एड्रेस योर एवरी क्वेश्चन, नो आई विल नॉट ट्राई, आई विल एड्रेस एंड आंसर योर एवरी क्वेश्चन, एंड दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो, एंड आई विल से द सेम थिंग विच आई से इन माई इंट्रो। चलो एक साथ आयस बनते हैं।